यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पार्ट नंबर 10 है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन न्यूमेरिकल छवि लेंस पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 10। यह 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब यानी कि क्या होता है, वस्तु होती है, यानी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब यानी वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, अभिसारी जो लेंस होता है वो कैसा होता है, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, अभिसारी यानी उत्तल लेंस तो फोकस दूरी प्लस में ही रहेगी। अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस है, ये बात ध्यान रखने वाला है। अगर अपसारी होता तो अवतल होता, अवतल में f का मान माइनस में हो जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब, यानी वस्तु की लंबाई दिया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, लेंस से वस्तु की दूरी यानी u होती है, u हमेशा माइनस में ही होती है, 25 सेंटीमीटर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो ये u का मान हो गया। तो यानी कि हमें बिंब की स्थिति बतानी है, तो बी फाइंड करना है और साइज बताना है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो ये तो पता लग ही गया, आकृति साइज बताना, प्रकृति पता लग गया कि उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेंस सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, क्योंकि 1/f f का मान 10, b फाइंड करना है माइनस u का मान माइनस का 25, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1 प्लस 1/25, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/b, b का मान हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एलसीएम लिया 10 और 25 का हो गया 50, एंड 10 × 50 25 × 50 इक्वल टू 1/b, यानी कि 3/50 इक्वल टू 1/b, देन बी इक्वल टू हो गया 50/3। ठीक, 50/3 सेंटीमीटर, ये प्लस में आई है, तो यानी कि प्रतिबिंब दूसरी साइड में जाके बनता है, बी का मान प्लस में आ रहा 50/3 सेंटीमीटर। अब हमको लेना है इसके आवर्धन का फॉर्मूला लगाना होगा, m = b/u। ठीक है, लेंस के लिए आवर्धन b/u इक्वल टू होता है m = h/b/u। 5 h जो लंबाई होती है बिंब की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई वह है 5 सेंटीमीटर, यानी h का मान 5 दिया है, h हमको ज्ञात करना है, b का मान भी हमें पता है, u का मान भी हमें पता है, तो h का मान हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई बतानी थी, और h का मान 5 सेंटीमीटर पहले से क्वेश्चन में दिया है, बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब यानी वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, b का मान आया है 50/3 एंड u का मान है माइनस का 25। ठीक है, बाकी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। h और फाइंड करना है जहाँ पर h क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई h है जो हमें ज्ञात करनी है, तो h इक्वल टू हो गया माइनस 50/3 × 25, और ये 5 भी इधर गुणा में चला जाएगा, 25 × 50 यानी h इक्वल टू माइनस का 10/3 सेंटीमीटर। h प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हमको फाइंड करनी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक्सरसाइज में, बुक्स में एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ पर लेंस वाला क्वेश्चन छाड़ देंगे तो ये दिख जाएगा। ये है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पे है। प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचना है, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। अब देखिए, अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, वो दिया है बी। अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस में वाई फोकस दूरी माइनस में होती है, ओके। एफ का मान -15 है, माइनस में है अवतल है तो। और बी दिया है ये प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी बी, बी भी माइनस में ही होता है, इसमें सब माइनस में होते हैं क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही साइड बनता है। एंड यू, यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। बिंब लेंस से दूरी यानी बिंब क्या है, वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी यू हमको फाइंड करनी है या निकालनी है। तो लेंस का फॉर्मूला 1/f=(b-1)u लगाएंगे। एफ का मान है माइनस का 15 एंड बी है माइनस का 10 एंड यू फाइंडिंग करना है। ये हो जाएगा सेपरेट करने पर 1/10, इसको इधर ले आओ, यू को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस में आ जाएगा, माइनस का 1/10 प्लस 1/15, यहाँ पे एलसीएम लिया आ जाएगा 30 भाग दिया 3 की गुणा 1 में, प्लस 15 दूनी 30 2 आया, 2 की गुणा 1 में 1 × 2 हो जाएगा। तो 1/u = -1/30 एंड u = आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी ये हमको फाइंड करनी थी, ठीक है। यू का मान